नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंशिका जारवाल। दोस्तों, जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि कैसे यूपी पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने में हमेशा विफल रही है, परंतु कभी कभी पुलिस वाले अपनी गलतियों की हद ही पार कर देते हैं। अब आप कल की ही बात ले लो, यूपी पुलिस के पास एक केस आया और वो केस पर कार्रवाई भी करती है, पर उनसे वहाँ पर एक गलती हो जाती है। अगर आप लोगों को वो गलती दिख चुकी है तो हमें कमेंट्स करके बताएं, और अगर आपको गलती नहीं मिली है तो वो गलती मैं बताती हूँ। वो गलती ये है कि यूपी पुलिस के पास जो केस आया था वो एक महिला लेकर आई थी, पर सेक्शन 160 के तहत कोई भी पुलिस वाला बिना किसी लेडी कांस्टेबल के महिला से पूछताछ नहीं कर सकते, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा केस क्यों ना हो। बिना लेडी कांस्टेबल के उन्हें कोई अधिकार नहीं है किसी भी महिला से पूछताछ करने का। और अगर हम कानूनी रूप से देखें तो किसी भी महिला को पुलिस स्टेशन में शाम को 5 बजे के बाद थाने में पूछताछ नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके साथ एक लेडी कांस्टेबल का होना अनिवार्य है। और अगर सूत्रों की माने तो ये सारा मामला यूपी के बदायूं का बताया जा रहा है, और ये वीडियो रात के समय का बताया जा रहा है जब पुलिस कर्मी महिला से पूछताछ कर रहे थे बिना किसी लेडी कांस्टेबल के। महिला के साथ थाने में पूछताछ नहीं की जा सकती, यहाँ पर कानून की रक्षा करने वाले ही पुलिस खुद ही कानून को उल्लंघन कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है या नहीं। आपके इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नहीं, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रात क्या हो रहा है, महिला सिपाही को तुम थाने में, या इंस्पेक्टर है यहाँ पे कोई ना, कोई भी है यहाँ पे, क्या कर रही है? नहीं, इंस्पेक्टर साहब तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, महिला से बाइक नहीं है कोई यहाँ पे, तो महिला बैठी हुई है रात में, नहीं कर क्या रहे हो यहाँ पे तुम, क्यों? और मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ रात के 12 बजे, विकलांग हूँ, मेरे पैर में चोट है, और तुम बदतमीज करे जा रहे हो ये, और मैं नाम भी ले रहा हूँ कि मुझे दरवाजे बुलाया रात के 12 बजे, कोई तरीका तुम्हारा ये?